फातिमा फातिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त हूँ। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, और जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का यहीं से करते हैं आगाज़। अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम सुबह सुबह के काम कर रहे हैं। मैं अभी सफाई कर रही हूँ और अम्मी जी बना रही हैं किचन में रोटियाँ। अभी नमाज हमने पढ़ लिया है, सूरज भी माशाल्लाह से निकल आया है। तो अभी घर के जो काम है ना, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे कि हम सुबह सुबह में क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं उठी हूँ तो नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद फिर सारे बिस्तर समेटे हैं, बरामदे से झाड़ू लगाया है, अंदर सारी चारपाइयाँ मैंने डाल ली हैं, बस ये एक पड़ी है इसको बैठक में डालना है। अभी मैंने कहा कि इधर वाले जो हमारा किचन हाउस है इसकी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पहले बारिशें थी, इसको ढांपा हुआ था, आज इसको खोला है मैंने ताकि इसको हवा कुछ लग जाए। माशाल्लाह से धूप निकल रही है और इसकी राख भी निकालनी है, अभी मैंने वो भी गीली हुई पड़ी है। फातिमा फातिमा मुझे भट्ठा ला के दो, उसमें फिर हम राख डालेंगे। और आज ना मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है, जैसे मौसम बदल रहा है ना, इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी सी बदली बदली है। ये सारी राख गीली हुई पड़ी है, अंदर पानी चला गया था, इसको आज खुश करेंगे इंशाल्लाह। फिर शाम को इधर ही हम आग जलाएंगे। सफाई तो मैंने कर ली है, जो गंद है ना वो एक साइड पे इकट्ठा हुआ पड़ा है वो भी अभी उठाना है। और नाश्ता अभी हमने नहीं किया, अम्मी जी बना रही है, मैंने कहा कि पहले सफाइयाँ कर लूँ उसके बाद फिर सब मिलकर नाश्ता करेंगे। बाकी भाई लोग और अबू जी जो है वो चारा लेने गए हुए, सुबह सुबह ही चले जाते हैं, धूप से पहले पहले काम कर लेते हैं, फिर सारा दिन जो है ना बैठ कर आराम करते हैं। अभी फातिमा को मैंने भेजा हुआ है, उन्होंने कहा कोई चीज़ ले आओ, उसके ऊपर ये हम गंद डालेंगे, इसको भी इकट्ठा कर लेती हूँ, राख की निकाल ली चूल्हे से, फिर डालकर उधर जिधर हमारी जगह जो है थोड़ी सी नीचे होती है हम उधर डाल देते हैं, ये बुराई के तौर पर काम आ जाता है। ले आ, ले आ, ले बटन नहीं मिला, चलो फिर मैं उठा लाती हूँ। आपको कभी कोई चीज मिली भी है? सुबह सुबह फातिमा ने क्या उठाया हुआ, ये क्या है? ये फट्टी है, ये फातिमा ने काका बनाया हुआ है। चलो मैं लेकर आ गई हूँ, ये गद्दा उठाना था और फातिमा को मिला ही नहीं, इस पर उठा लेते हैं। वैसे ये तो पत्ते बड़े खुश्क हैं, ये आग जलाने के तौर पे भी काम आ सकते हैं। ये ऊपर से सारे गिरते रहते हैं, इतनी तेज हवा भी चलती है और बारिश भी, और ये सारी तूड़ी जो है ना जो हमने मिट्टी में मिलाकर लिपाई की थी वो भी सारी उतर रही। फातिमा किधर जा रही? रोटी किसका देने आ रही? मुझे नहीं, मुझे नहीं देनी, बाहर फकीर आया उसे दे, जा फातिमा। रोटी किसको देने जा रही है? फकीर को। ठीक है जाओ दे आओ, भाई उसे कहना दुआ करे, ठीक है? अभी माशाल्लाह से बस थोड़ा सा झाड़ू रह गया है, हमारे घर भी काफी बड़े होते हैं और सुबह सुबह के टाइम सारी सफाई की जाती है, बार बार तो हम करते नहीं हैं क्योंकि फिर माल मवेशियों वाला घर है, बार बार चारा लाते हैं गंद हो जाता है, इस टाइम सफाई कर लेते हैं, ठंडा ठंडा टाइम होता है और मिट्टी भी नहीं उड़ती, घर भी कच्चे होते हैं। तो उसके बाद फिर हम फातिमा और मैं मिलकर नाश्ता करेंगे अभी, और इधर सारा गोबर पड़ा हुआ है क्योंकि इस तरफ भी माल है और उस तरफ भी है, तो जो मिट्टी सारी होती है ना वो इधर ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि है तो सारी मिट्टी, गंद तो इतना है नहीं, फिर भी जहाँ से गुजरना होता है उधर की मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर गोबर लगता है पैरों को जब बंदा यहाँ से गुजरता है तो। अम्मी रोटी करनी थी, बालकान को अंदर में अंदर बैठ के रोटी करनी, चल रोटी खा, बाहर कहाँ खोल इंदा तेरे को? अच्छा ठीक,
फातिमा अंदर रोटी क्यों खांदी पई है? कौन बाहर खा रहे हैं? बाहर अम्मी रोटी बनांदी पई है। बाहर जी हमारा नाश्ता बन रहा है और फातिमा जो है वो अंदर बैठ के रोटी खा रही है। वो कह रही है बाहर मुझे मेरे से ना कां खो लेता है, तो ये नाश्ता कर रही है फातिमा। तो बाहर अम्मी रोटियां बनांदी पई है। आप ही की कर दी पई है? आप ही काम कर दी पई। अच्छा आप ही काम कर दी पई। अभी माशाल्लाह से सफाइयाँ वगैरह तो हो गई मुकम्मल। अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। ये बना रहे हैं हम आज अंडा, कल हमारी मुर्गी ने दिया था। अभी मैं इसको तवे के ऊपर ही बना लूँगी। तवा अभी ऊपर ही पड़ा है। अम्मी जी ने रोटियाँ बना ली हैं और फातिमा भी आ गई। मूढ़ा लेकर इधर बैठ जाओ फातिमा। फातिमा आप बाहर आ गई हो? पहले अंदर क्यों गई थी फातिमा? अंदर क्यों गई थी? मूढ़ा चावन गई है। अच्छा बाहर पहले कहाँ सी? अभी इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि जब मिर्ची और नमक होती है ना फिर अच्छी तरीके से इसमें मिक्स होंगी, वरना तो ये सारी कोली के साथ ही लग जाती है। आज अंडा हम काफ़ी दिनों के बाद बना रहे हैं क्योंकि हमारी मुर्गी पहले थी नहीं, अभी हम लेकर आए। कल ही उसने अंडा दिया और आज ही हमने बनाना शुरू कर दिया उसको। फातिमा भी बड़े शौक से खाती है अंडे। अंडा पका रही ठीक है, अंडा ही बना दीजिए। अभी थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक और तवा जो है ना बिल्कुल गर्म है। आग थोड़ी सी हमने नीचे आहिस्ता कर दी है ताकि जले ना। अंडा जो है ना आहिस्ता आग पर बनाना चाहिए फिर सही बनता है। अभी अम्मी जी आप ऊपर डाल देंगे घी। चम्मच नहीं है, चलो मैं ये मिक्स कर लूँ फिर आपको देती हूँ। अभी बाकी सब जो है ना चारा लेने गया हूँ, अभी वापस नहीं आई। हमने कहा कि हम जो है ना खाना खा ले, वो आ गया तो फिर उनको लस्सी के साथ देते हैं। हमने तो बनाई है साथ में चाय भी। जिसने चाय पीनी होगी वो चाय पी लेगा और जिसने लस्सी वो लस्सी पी ले। दही भी बनाई, मैं तो आज दही नहीं लूँगी, मैं तो आज अंडे के साथ खाऊँगी। डालो फातिमा, आपका अंडा बन रहा है। फातिमा इंतजार कर रही है। और कल हमने इधर किचन में से गोबर भी लगाया था तो अब माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है मेहनत का काम। मट्टी भी नहीं उड़ रही, पहले तो बारिश थी ना तो सारी जो मट्टी हमारी लिपाई खराब हो गई थी। इधर की लिपाई भी करनी है लेकिन अभी भी मौसम जो है सही तरीके से साफ नहीं हुए। हमने कहा कि ऐसा ना हो कि फिर से लिपाई करें और बारिश आ जाए, इस वजह से अभी नहीं कर रहे। हाँ जी अंडा पक गया है? नहीं अभी कच्चा है। अंडा पक गया है? हाँ पक जाएगा। रोटी रुक रहा तो ये रोटी भी माशाल्लाह से अम्मी जी ने मुझे पकड़ा दी है। ये हम जो है ना बाहर का घी नहीं इस्तेमाल करते, मक्खन के साथ बनाई और कितनी प्यारी रोटी बनी है। अभी इसके ऊपर ही मैं अंडा रख लूंगी और फातिमा और मैं मिलकर खाएंगे। बाकी सब तो अंडा नहीं खाएंगे। अचार भी हमने डाला हुआ है, वो अचार ले लेंगे, उनका दिल करेगा तो, वरना लस्सी के साथ। चलो जी उतर गया। ये लो फातिमा सीधी होके बैठ। ये पानी भी आ गया। ये फातिमा की छोटी बोतल है, ये बड़ी बोतल ठीक है। लो पकड़ चम्मच मुझे दे दे। बाकी हमारा नाश्ता वगैरह तो बन गया। अभी ये दूध हम ऊपर रख रहे हैं क्योंकि चूल्हा खाली हो गया, ये उबलता रहेगा फिर। और अभी हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे हैं। अगर आप सब में से भी किसी ने करना हो तो मोस्ट वेलकम आकर कर सकते हैं हमारे साथ। आ जाओ फातिमा पहले पानी पी ले। हमें यह अभी खा ले।
पापा। तो माशाल्लाह से अभी सब ने खाना वगैरह खा लिया है, सब अपने अपने काम में लग गए हैं और मैं भी अभी अपना काम कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, धूप काफी निकली हुई है आज भी, और ये दरख्तों की इधर छांव है, इधर ही मैंने टब भर लिया है। मैंने कहा कि इधर ही सारे बर्तन धो लेती हूँ और पानी वगैरह भी भर लेती हूँ। बर्तन मैंने अभी धो लिए हैं, ये चंगेरे जो है ना आज इनको मैं धो रही हूँ। कल कपड़े सारे धोए थे, पौने वगैरह भी धोए थे, तो ये रह गई थी, तो मैंने कहा कि आज इनको धो लूँ क्योंकि इस दफ़ा आंधी बहुत ज़्यादा आए हैं। मट्टी जो है ना चंगेरों में भी चली गई है, बंदा जितनी चीज़ें ढाँप के रखे मट्टी तो हर जगह ही चली जाती है। तो अभी मैं इनको अच्छी तरीके से धोऊंगी ब्रश के साथ, पानी तो भरा पड़ा है, ताकि सब भी अपना अपना काम करें। और फातिमा जो है ना वो उसको मैंने सुला दिया, उसका झूला बनाया है चारपाई के साथ, वो अंदर सोई हुई है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, फिर बाहर भागती रहती है। अभी ये थे हमारे आज के घर के काम, अब ये मैं काम करके फिर मैं भी आराम करूँगी। दोपहर को कोई काम नहीं होता, बस ये घर के हमारे काम थे। तो जी प्यारे बस ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।